बारिश का मौसम है। 4-5 साल से अच्छी बारिश हो रही थी और मौसम शुरू शुरू होते ही बारिश शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से डैम में जो डेड वाटर होता है और उसी के साथ पानी कम होने की वजह से पानी में जो काई वगैरह होती है, 4-5 साल से जो है उससे हम लोग काफ़ी हद तक बचे हुए थे और बारिश के दिनों में भी पानी हमको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल रहा था। इस साल बारिश कम होने की वजह से डैम में पानी की सतह कम हो गई, जिसकी वजह से वो पानी जो नीचे का था और काई वगैरह होने की वजह से वो पानी यहाँ आता था और फिल्टर प्लांट पर जो है उसके फिल्ट्रेशन के बाद ये पानी दिया जा रहा था। एक महीने से बारिश के इस मौसम में जो नलों में पानी आ रहा था वो पीला पीला पानी आ रहा था। 8-15 दिन पहले मैंने अपने बच्चाओं साहब से जो है बातचीत की थी कि पूरे शहर के अंदर ये कंप्लेन है कि पानी अच्छा नहीं, पानी गंदा आ रहा है, पीला आ रहा है। साल भर तुमने अच्छा पानी दिया, उसके पेश नज़र ये पानी लोगों को पीते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये शिकायत ख़त्म नहीं हुई। तो आज जो है फ़िल्टर प्लांट पर आना पड़ा। 1972 में ये फ़िल्टर प्लांट बना था, आज इसको तकरीबन 51 साल हो गए। ये हमारे यहाँ मरहूमा आयशा हकीम जो उस वक्त आमदार थी उनकी कोशिशों से ये फ़िल्टर प्लांट बना था और उसके बाद से मालेगांव वालों का नसीब है, इनको बहुत साफ़ सुथरा बिस्लेरी से ज़्यादा अच्छा पानी मिल रहा था। यही वजह है कि पानी में ज़रा सा भी अगर कुछ फ़र्क आता है तो मालेगांव की आवाम उसको बहुत संजीदगी से लेती है और महसूस करती है। 15 दिन पहले जो है कंप्लेन देने के बावजूद जब उसमें कोई सुधार नहीं आया तो आज हम लोगों ने जो है फ़िल्टर प्लांट का दौरा किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर पीला पानी क्यों दिया जा रहा है। इन्होंने जो पानी दिया जा रहा है उसकी डेली जो है लैब से रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के पेश नज़र उन्होंने हमें पेपर बताए कि ये पानी पीने लायक है, इससे कोई तकलीफ़ या परेशानी की बात नहीं। लेकिन बहरहाल ये शिकायत है कि पानी पहले जैसा आता था अभी वैसा पानी नहीं आ रहा है, पीलापन है उसके अंदर है। और डॉक्टरों का ये कहना है कि आज ये बच्चों में जो बीमारी चल रही है, बुखार कहो, इसी तरह जो है डायरिया कहो, ये जो बीमारी है ये पानी की ख़राबी की वजह से है। तो मेरा संदीप पाटिल साहब से और हमारे जो है बच्चाओं साहब से यही कहना है कि साल भर जैसे आपने मेहनत की और अच्छा पानी दिया तो आज इस वक्त जो है हमें पहले जैसा ही साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय है वो आपकी ज़िम्मेदारी, वो उपाय करके पानी साफ़ सुथरा लोगों को मिलना चाहिए। इसी काम के लिए हम लोग आज यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन पर आए थे और हमें उम्मीद है कि ये दोनों आफिसरान ज़िम्मेदारी से काम करके इस शिकायत का इजाला करेंगे। कितने दिनों में ये पूरे सस्पेंड? रोटेशन है सर, 8 दिन का, 2 रोटेशन लगी है। 2 रोटेशन में क्योंकि वहाँ से पानी भी बढ़ रहा है डैम में, तो 8 दिन में ये इनका ये बोलना है कि पानी पीने लायक तो है लैब की रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन जो उसमें पीलापन है कलर, इसको साफ़ होने में 2 रोटेशन लगेंगे, मतलब ये कि 6 से 8 दिन लगेंगे, उसके बाद ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। पानी तो हमेशा चोरी होता है, पानी चोरी होना कोई नई बात नहीं है। तलवाड़ा डैम कॉरपोरेशन की मिल्कियत है और हमें चनकापुर से जितना पानी मिलता है वो कई रोटेशन में तलवाड़ा डैम आता है, वहाँ स्टोरेज है हमारे लिए और वहाँ से फिर पाइप के ज़रिए से पानी यहाँ फिल्टर प्लांट पर आता है। पीछे चोरी की शिकायत ख़त्म हो उसके लिए हमने जो है ये डिमांड की थी कि इस सिलसिले के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मालेगांव में भी इस मसले को लेकर के काफ़ी लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, कोशिश की थी कि तलवाड़ा डैम का पानी महफूज रहे और इस ये आवाज़ भी थी कि हमें जो पानी चनकापुर से दिया जा रहा है वहाँ से 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है, यहाँ 100 MCFT पानी भी आता नहीं है। अगर पाइपलाइन डाल दी जाए जिस तरह तलवाड़ा से मालेगांव है, चनकापुर से अगर तलवाड़े तक भी ये पाइपलाइन डाल दी जाए तो ये पानी हमारे लिए कई दहाइयों तक काफ़ी होगा, इसलिए कि 2/3 से ज़्यादा पानी रास्ते में ज़ाय हो जाता है, ज़मीन में उतर जाता है, लोग अपनी खेतियों में ले लेते हैं, पम्प लगा करके पानी चोरी कर लेते हैं। ये जो सूरत हाल है इससे बचने के लिए हल ये है कि चनकापुर से भी तलवाड़ा डैम तक फिल्ट अपना पाइपलाइन डाली जानी चाहिए। वो जो अभी तलवाड़ा से मालेगांव तक जो पाइपलाइन का टेंडर है जो 146 कोटी अमृत में है, वो
टेंडर नहीं हो रहा है? टेंडर मेरे ख्याल से हो गया है। नहीं, एमजीपी वालों को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया हुआ है टेंडर डॉक्यूमेंट। तलवाड़ा से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पाइपलाइन है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी सरकार के टाइम मैंने लेटर दिया था कि नई पाइपलाइन डाली जाए, और उस सिलसिले के अंदर फॉलो अप लिया हमारे मिनिस्टर दादा भुसे साहब ने भी उसमें काफ़ी मदद की, और वो टेंडर वो जो है फंड मंजूर हो चुका है। अब जो है एमसीपी के एमजीपी की तरफ जो है वो पूरी इस प्रोग्राम बनाने के लिए उनको दिया है, वो उतना हो जाए तो वो फिर टेंडर प्रोसेस पे आ जाएगा। चनकापुर से जो तलवाड़ा तक जो पाइपलाइन लानी है उसके सिलसिले में आप विधानसभा में लेटर देंगे या क्या मुतालबा आप करेंगे? मैंने इससे पहले राउंड टेबल मीटिंग लगवाई थी 2009 से 14 के दरमियान, और उस मीटिंग के अंदर हमारे बच्चाव साहब भी थे और उस वक्त के कमिश्नर भी थे और पालक मंत्री भुजबल साहब भी थे, अजीत दादा पवार भी थे, और जो पानी के पानी मिनिस्टर थे वो भी थे। तो ये सारे लोगों के दरमियान मीटिंग हुई थी और उस वक्त हमने ये डिमांड की थी, और उस वक्त रास्ते में जितने देहात पड़ते हैं, जिन जिन लोगों की खेतियां पड़ती हैं, उन लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत की थी, अपोज किया था। वजह यही है कि वो अपनी खेती के लिए और पानी के लिए वो पानी चोरी करते हैं, इसलिए उन्होंने पाइपलाइन की मुखालफत की थी। तो हमारी डिमांड तो जब से है और अभी भी हमारी कोशिश यही है और रहेगी कि सरकार जो है हमें जो भी 900 कुछ MCFT पानी मिलता है, यहाँ का 900 MCFT है गिरना डैम से, और वहाँ का 400 MCFT रिजर्व है। कहाँ पे? डैम पे रिजर्व है। कौन से? तलवाड़ा डैम। तलवाड़ा डैम पर। तो हमारा ये बोलना था कि आप जो है इन सब लोगों की डिमांड है पानी की, आप हमारे कोटे में से कुछ थोड़ा कम करके आप इनको दे दो और हमको पाइपलाइन से हमारा पानी दो। तो उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ मानने के लिए, इसलिए कि उसमें उनका नुकसान था अपना फ़ायदा था। तो ये कोशिश तो रहेगी इंशाल्लाह, हम लोग डिमांड करेंगे। मिनिस्टर दादा भुसे साहब से भी बातचीत हुई है, लेकिन उस सिलसिले के अंदर जो मुखालफत है उसके पेश नज़र सरकार हिम्मत नहीं करती।